मैंने आज सुबह एक और बम ब्लास्ट किया था जिसमें बेगुनाह आदमी, औरतें और बच्चे तड़प तड़प के मर गए। क्या? और पिछले हफ्ते मैंने एक पादरी का मर्डर भी किया था। पादरी का मर्डर किया था? फादर, मुझे मेरे पापों से मुक्ति चाहिए। फादर, गड्डी तेरी है जी? ये बैग भी तेरा है? हाँ। बेवकूफ, जैसा काम किया ना तूने, ओए खुली गड्डी में जब बैग चढ़ता, अगर कोई चोर उठा के ले जाता तो? आज तारीख क्या है? 15। 16 होती तो निहाल सिंह यहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं कर रहा होता और तेरा ये बैग चोरी हो जाता। माफ करना साहब जी, वो चर्च जाने की हड़बड़ी में गलती होगी मुझसे। क्या है साहब जी, हर हाल में कहीं से भी किसी भी तरह हर संडे में चर्च में कन्फेस करने आता हूं। की? कौन कन्फेस? और एक बात बताऊं, ऊपर वाला भी सारे पाप सारी गलतियां माफ कर देता है। मैं चलता हूं। ठीक है, रब रखा। रुको, तूने फिर से गलती कर दी। कैसी गलती? अरे पीछे देख, गाड़ी कितना धुआं छोड़ रही है। पीयूसी के पेपर हैं? करवा लूंगा। करवा लूंगा? अरे करवाने चाहिए थे। गाड़ी के पेपर हैं? आगे से साथ रखूंगा। साथ रखूंगा नहीं, चल सीधा थाने, चल। पिस्तौल का लाइसेंस है? बड़ा होशियार बनता है। हाँ, ना पिस्तौल के पेपर, ना इस गड्डी के पेपर, ना पीयूसी के पेपर। हाँ चल। ओए तेरी तो, भाग रहा था, थाने नहीं जाएगा। ओए चल। तेरे पास तो अंगूठा नहीं, और पंजाब पुलिस को तू अंगूठा दिखाता है? तेरी तो। पीयूसी के पेपर नहीं, कोई गल नहीं। गड्डी दे पेपर नहीं, कोई गल नहीं। पिस्तौल दे पेपर नहीं, था भी कोई गल नहीं। लेकिन तू पंजाब पुलिस दे उते हाथ उठाया, ओदे लिए तू जेल जाएगा। 2 साल, 5 साल, 10 साल, शायद 100 साल। चल अंदर। साहब जी, मुझे थाने मत ले चलो, ये रख लो। ओए,
तू निहाल सिंह को रिश्वत दे रहा है? ये भी रख लो। हो इतने सारे पैसे कहां से लाया तू? ओए कहां से लाया तू? बताता हूं साहब जी, मैंने बैंक ऑफ अमृतसर में डाका डाला। ओए बैंक ऑफ अमृतसर में डाका डाला? वहां तो मेरा भी अकाउंट है। तुझे कोई और बैंक नहीं मिला? साहब जी, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैंने डाका डाला। बेटी की जान? मेरी 3 साल की बच्ची कैंसर से मर रही है। तीन साल की बच्ची को कैंसर है? हाँ, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, वरना ये रोमियो कभी ऐसा काम करेगा? नेवर। अरे शर्म नहीं आई तुझे? एक उठा कर दूंगा। डाका नहीं डालता तो और क्या करता? अरे डाके की कौन बात कर रहा है, अपनी बेटी के इलाज के लिए तूने जो पैसे चुराए उसे खुली गाड़ी में रख दिए। अगर कोई चोर उठा के ले जाता तब तेरी बेटी का क्या होता? मैंने तो हमदर्दी, चोर उठा लेता उसके बदले में पुलिस ने उठा लिया, नसीबी खराब है। साहब जी, मुझे थाने में ले जाओ, यहीं पर गोली मार दो। एक बाप की जीती जिसकी बच्ची की मौत हो जाए। रोजी, if only I had, but I would. और बस कर तेरा if और but। तो ये चटरो पड़ेगा। साहब जी, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी रोजी। ओए, तू फिर से रो रहा है? क्यों हो यार? हाँ? साहब, आप इस रास्ते से नहीं, आप वो कच्चे रास्ते से गाड़ी निकाल लो। क्यों? वो मेरा घर है, मेरी बेटी रोजी खिड़की पर अपना डैडी का इंतजार कर रही होगी। इफ उसने मुझे इस हालत में देख लिया तो उसकी मौत। ओए, बड़ा पत्थर दिल आदमी है तू। हाँ, जेल जाने से पहले अपनी बेटी को नहीं मिलेगा? चलो खोते, मेरी ड्यूटी गई बाढ़ में, पहले तो जाके अपनी बेटी से मिल। साहब जी, मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे थाने ले चलो। ओए हुन की हो या? मेरी बेटी मुझे ऐसे देखेगी तो? अरे अगर मैंने वर्दी पहनी है तो क्या मैं बंदा नहीं हूं? जा अपनी बेटी से मिलकर आ, मैं यहीं इंतजार करूंगा। क्या है साहब जी, मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं उसकी बातों में आ गया, वो सच्चा और भगवान का आदमी लग रहा था। चर्च से बाहर निकला, चर्च में पादरी का मर्डर हुआ है। क्या आईजी साहब, अगर बीएसएफ के जवानों ने मुझे नहीं रोका होता तो मैं उसे सरहद पार जाके पकड़ लेता। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे जाने दो, मैं उसे पकड़ के लाता हूँ। ये पैसे लिए है तुमने उसे बॉर्डर से भगाने के लिए? ये रोमियो ने बैंक ऑफ अमृतसर से लूटे हैं। बैंक ऑफ अमृतसर में डकैती नहीं हुई सर, ये बॉर्डर का मैप और आज कमांडर खान के घर जो ब्लास्ट हुआ उसका मास्टर प्लान है। निहाल सिंह, पुलिस डिपार्टमेंट से गद्दारी? मैं गद्दार नहीं हूं, मैं गद्दार नहीं हूं। वाहे गुरुजी दी सौ, मैं गद्दार नहीं हूं। निहाल सिंह,
ये तो तेरा नसीब अच्छा है कि आईजी साहब ने इंक्वायरी कमीशन बैठाकर तुझे सिर्फ सस्पेंड किया है। अगर पोटा लग जाता ना तो सरता जेल में तू। ये ला वर्दी और दफा हो जाए यहाँ से, और फिर गलती से भी मुड़कर नहीं देखना मेरी तरफ, गद्दार कहीं का। बस करो तो रुक गया, मैं जाट हमारी ईमानदारी पर शक करता है। अरे हमारे यहाँ बच्चा पैदा होते ही ये सोचता है कि कब इस देश के लिए अपनी जान दूं। मर्द मरता है तो अपनी आंखें तिरंगे की तरफ करके मरता है, और ये सोचता है कि फिर से इस देश के लिए कब पैदा हूँ। वर्दी की बात करता है, अरे हमारी चमड़ी भी उतार ले, लेकिन हम गद्दार नहीं है। चुप हो जा सपना, तू ठीक है ना निहाल? हाँ बेबी सब ठीक है, चल चुप हो जा। ओए निहाले, ये क्या किया तूने? कितनी इज्जत थी हमारी इस गांव में, आज तक कोई हमसे सवाल नहीं करता था, आज हमें सबको जवाब देना पड़ रहा है। बाबूजी मेरी बात मानिए, उसने मुझे कहा कि उसकी बच्ची कैंसर से मर रही है, मेरा दिल पिघल गया, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे किस किस को ये कहानी सुनाएगा? हाँ किस किस को? सारे गांव वाले ये कह रहे हैं कि बलवंत सिंह का पुत्र गद्दार है। बलवंत सिंह, ऐथे आ बलवंत सिंह, जरा गलते सुन। राजेंद्र सिंह जी, तुसी लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। एक गद्दार के घर ऐसी की आवांगे जी? और नहीं तो क्या? मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूं, अगर मेरा पुत्र कसूरवार निकला तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। ओए गांव बाद में छड़ी, बाद में छड़ी, पहले सरपंच की कुर्सी छड़ दे। आज से सरपंच की कुर्सी राजेंद्र सिंह जी संभालेंगे, क्यों जे? हाँ। ओए बलवंतिया, एक गद्दार का प्यो गांव क्या संभाल? तुम इससे कल करो। महेंद्र जी, मेरी सतनाम आपके घर भी आने वाली है, आप मेरे होने वाले समधी हो। समधी था बलवंतिया, अब नहीं हूं। मुझे नहीं करना अपने पुत्र का ब्याह तेरे घर में, पता नहीं किन किन आतंकवादियों के साथ उठना बैठना पड़ जाए। मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरी बहन के साथ ऐसा मत करो। ओ छड्डो जी, जो लोग मेरे वीर जी के बारे में ऐसा सोचते हैं, मुझे उस घर विच ब्याह ही नहीं करना। हाँ दफा हो जाओ यहाँ से, चलो बहुत तमाशा कर लेता है तो। चलो चलो जाओ यहाँ से, क्या देख रहे हो? चलो जी चलो। लगता है मेरी गाल ना दी समझ नहीं आई। बाबूजी मैं सच कह रही हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ। हाँ गलती जरूर हुई है मेरे तो। निहाले, गद्दारी हो या गलती, तूने तो हमें जीते जी मार डाला है। वीर जी हुन तो बाबूजी गुस्से में हैं, थोड़े दिन बाद समझ जाएंगे। नहीं सतनाम, बाबूजी और गांव वाले ऐसे नहीं मानेंगे। वो उस दिन मानेंगे जब मैं रोमियो को पकड़कर घसीटकर इस गांव में लाऊंगा, और वो चीख चीख कर सबसे कहेगा कि निहाल सिंह गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। रोमियो, तुझे जहां छुपना है छुप, जहां भागना है भाग, जो करना है सो कर, लेकिन एक बात याद रखना, निहाल सिंह तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा, कहीं से भी। Like the reason not to revolution, leaving the poor in a mess, not the creator. The liberation, one assemble to the body, know what happened. Rebel advance, send your retreat. Government to in control of the capital. It's not the ink, Nima from the village called Brutus. It's not the ink, Nima.
Nice church. Yeah. Let's go. ये क्या कर रहे हो? लीजा, आज अमेरिका को देख के मुझे माँ की याद आ रही है। What? हर बच्चा बचपन में अपनी माँ से कहता है कि बड़ों होके मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, अमेरिका जाऊंगा, बहुत सारा पैसा और नाम कमाऊंगा। मैं भी अपनी माँ से कहता था कि माँ, बड़ा होके मैं टेररिस्ट बनूंगा, अमेरिका जाऊंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और नाम तो मुझे कमाना नहीं। अच्छा ये बताओ, न्यूयॉर्क में मेरा नाम क्या है? सिकंदर। गाड़ी के ग्लास बॉक्स में तुम्हारा नया पासपोर्ट और सोशल सिक्योरिटी कार्ड है। यहाँ न्यूयॉर्क में तुम एक इंडियन रेस्टोरेंट ढाबा के मालिक हो। Very nice. यहाँ अमेरिका में हमें बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। Hi Lisa, Hi Steven, he's the new boss here, Sikandar. Hello. 9/11 के बाद यहाँ की FBI पुलिस बहुत अलर्ट हो चुकी है। सब लोगों पर कड़ी नजर रखी जाती है, हर इंसान का रिकॉर्ड रखा जाता है। Lisa, relax. मेरे की तो रिकॉर्ड है कि कहीं पे भी मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं। अफगान की पहाड़ी, कराची की गलियां, बोस्निया, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, कहां नहीं हंगामे किए। इंटरपोल, स्कॉटलैंड यार्ड, फ्रेंच पुलिस, किसी ने आज तक छुआ नहीं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि 4 जुलाई को प्रेसिडेंट को जान से मारने की साजिश बन रही है। न्यूयॉर्क में ब्लास्ट करने वाला जो भी था वो सिक्योरिटी तोड़ने में एक्सपर्ट है, और ये हो सकता है कि जो भी राष्ट्रपति की जान लेना चाहते हैं वो उसी आदमी का इस्तेमाल करेंगे। नामुमकिन। राष्ट्रपति की सिक्योरिटी तोड़ना इतना आसान नहीं। उनके चारों तरफ 4 सिक्योरिटी के घेरे हैं, पुलिस से लेकर नेशनल गार्ड, FBI से लेकर खुफिया एजेंसी तक। और तब क्या होगा जब हमारी एजेंसी के ही कुछ आदमी अगर इस साजिश में शामिल हो गए? तो पहले भी ऐसा हुआ है। इसके लिए एक क्रैक टीम बनाओ और उस सिक्योरिटी तोड़ने वाले एक्सपर्ट को ढूंढ निकालो। एजेंट एंड्रू, आई वांट टू नो एएसएपी हु इज रिस्पांसिबल फॉर दीज ब्लास्ट्स। आई हैव अ क्रैक टीम ऑन इट। आई एम फॉलोइंग एवरी पॉसिबल लीड। आई वांट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन दिस केस नाउ। यस। क्या बात, आज FBI के ऑफिसर्स इंडियन एम्बेसी में कैसे? सर, पिछले हफ्ते जो न्यूयॉर्क में ब्लास्ट हुए, इसी के बारे में कई इन्फॉर्मर से बात की, लेकिन पता नहीं चला कि इसके पीछे किसका हाथ है। But sir, there's been a pattern. Pattern? What kind of pattern? In the last few months there have been similar blasts in other countries. और हर ब्लास्ट के बाद किसी चर्च के फादर की हत्या हुई है। In the past couple of years there's been the same pattern in France, Germany, Israel, Pakistan, India and Nepal. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे किसी ग्रुप या एक आदमी का हाथ है। जी सर। तो FBI इंडियन गवर्नमेंट से चाहती क्या है? जपो सतनाम, सतनाम, सतनाम जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु जी, जपो सतनाम, सतनाम, सतनाम। बेबे, मैंने वाहेगुरु को सब कुछ बता दिया, अब वो ठीक करेगा ना? अब तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। याद रख, नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार।
फिलहाल ये अमेरिकन एम्बेसी से आए हैं और FBI जो कि अमेरिका की खुफिया पुलिस है उनका मानना है कि शायद रोमियो अमेरिका में है। रोमियो अमेरिका में है? हाँ। बेबे, 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 रोमियो अमेरिका जाए। वाहेगुरु ने साड़ी सुन ली। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। निहाल, होम मिनिस्ट्री चाहती है कि तुम इनकी मदद करो क्योंकि दुनिया में तुम सिर्फ एक आदमी हो जो रोमियो को पहचान सकते हो। तुम्हें उसकी शक्ल याद है? ओए मैं उसकी शक्ल जिंदगी भर नहीं भूल सकता। He remembers Romeo's face. That's great. निहाल, तुम इन्हें रोमियो का चेहरा और उसका हुलिया बता दो ताकि ये कंप्यूटर पर उसकी तस्वीर बना सकें और उसे अमेरिका में तलाश कर सकें। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बात समझ में आई। मैं इन लोगों को रोमियो का चेहरा बताऊं ताकि ये लोग अमेरिका में उसे ढूंढ लें और मैं यहाँ पर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। ओए गोरियो, तुम लोग क्या समझते हो मैं पिचोला हूं? एक बात कान खोल कर सुन लो, उस रोमियो के बच्चे को ढूंढना है तो मैं अमेरिका जाऊंगा। मैं निहाल, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं जाऊंगा अमेरिका। What's he saying? He says you will have to take him to USA. Are you mad? ओए मैड मत बोल। क्या रोमियो ने तुझे बेवकूफ बनाया? क्या गांव वाले तुझे गद्दार समझते हैं? क्या तेरे प्यो की मिट्टी बली थी हुई? गल करता है। बेबे, मेरा सामान बांध, मैं चला अमरीका। मैं भी तेरे साथ चलाऊंगी। साहब जी, मेरे को पासपोर्ट भी है। मंजीत की शादी में एक बारी गई सी अमरीका। बेबे, ये खुफिया खतरनाक काम है, तू वहां पर क्या करेगी? मैं रोमियो को पकड़ कर यहीं तो ला रहा हूँ। आईजी साहब, हाँ? मेरी एक और शर्त है। क्या? अब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ। तो मुझे मेरी वर्दी चाहिए। उसकी वर्दी उसको वापस दो। जी साहब। निहाल, तुम्हें आज ही अमेरिका जाना होगा। आओ निहाल सिंह, मैं FBI एजेंट मनोज भटनागर। वेलकम टू अमेरिका। ओए, तू इंडियन है? ये है एजेंट टिवाना। वेलकम। सत श्री अकाल जी। ओह। और ये है एजेंट साइक्स। नाइस टू मीट यू। सत श्री अकाल। आला आ तू फाड़। पारी है। चलिए। चलो। रोमियो को कब पकड़ना है? रोमियो की बात FBI के ऑफिस जाकर करेंगे। ओह। यू कांट सी आई एम ईटिंग आइसक्रीम हियर। ओह। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आई एम सॉरी। आर यू ब्लाइंड और समथिंग? यू डोंट नीड टू शाउट। यू डोंट लुक ब्लाइंड टू मी। आई एम सॉरी। वेल इफ यू आर ब्लाइंड, व्हाई डोंट यू हैव अ वॉकिंग स्टिक? व्हाट्स योर माउथ? Can't you afford one? It was a mistake. Want me to buy one, you nerd? अभी पता चला अमरीका इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? यहाँ तो बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है। What are you trying to say? Name, निहाल सिंह। बच्चे name? Romeo. बड़ा बदतमीज बच्चा है। Got the tell I love the rebel crew. This war like the reaper, not the revolution. Leaving the poor in the mess, now that you hit it for liberation. But listen what you live out and know what happened. Manoj, he's not there. What? Where's Nahal Singh? Oi! Ah, there he is. Jalandhara. What's he doing? He wants to talk. What? Chalo, Nahal, kya hua? रोमियो को किसने देखा है? तुमने। तू किसको देख रहा है? तुमको। तो फिर लीडर कौन हुआ? तुम। तो लीडर के सामने चलते हुए शर्म नहीं आती? चलो अंदर। You gotta go inside. Why? Just come inside. Follow him. Andrew, Alex, this is Nahal Singh. Hey. Nahal Singh, ये हमारे ग्रुप का लीडर, Andrew. लीडर मैं। चलो आओ मेरे पीछे पीछे। Let's just follow him. निहाला, तू ठीक ठाक पहुंच गया ना? बेबे मैं बहुत ठीक हाँ। बेबे बेबे, मेरा होटल का कमरा ना, सरपंच दी कोठी तो बहुत बड़ा है। बेबे इतने तो कमरे ही कमरे हैं, हर कमरे नाल गुसल खाना है, रसोई घर भी है। बेबे इतना बड़ा टीवी है, कुड़ी भी है। कुड़ी भी है? कुड़ी भी है? आ, आ,
हुआ बेबे? सतनाम उन्हें आला कहंदा है एक कमरा है उसके च दूसरा कमरा है उसके च तीसरा कमरा है तीसरे कमरे च कुड़ी है ये क्या सचमुच अमेरिका ही गया है ना हाय आई एम सुजैन मेरा ख्याल है यू रॉन्ग कमरा नेम निहाल सिंह कमरा जानती हूँ निहाल मुझे तुम्हारे लिए यहाँ भेजा गया है मेरे लिए ओ जी मैं वैसा वैसा बंदा नहीं हूँ मैं बड़ा सीधा साधा बंदा हूँ आप यहाँ से बस गो 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 निहाल तुम समझ नहीं रहे हो जी मैं सब समझ गया हूँ आप यहाँ से गो 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 निहाल इफ आई डोंट स्टे हियर बट ट्राई टू अंडरस्टैंड आई नो इफ नो बट सिर्फ जट चलो बिहेव योरसेल्फ बंदूक का लाइसेंस है मैं FBI ऑफिसर हूँ पुलिस वाला कुड़ी आई एम स्पेशल एजेंट सतेंद्र कौर मां क्यों हो गया बेबी सतनाम मैनू लगता है साडा निहाल बहुत बड़ी मुसीबत से फंस गया है ठीक है निहाल संभाल के अरे क्या संभाल कर यहाँ पर तो सब गाड़ियाँ ही गलत साइड चलती हैं। निहाल यहाँ पर गाड़ियाँ राइट साइड पर ही चलती हैं। अरे यहाँ का राइट ही तो रॉन्ग है। रोमियो न्यूयॉर्क में है फर्ज करो रोमियो न्यूयॉर्क में नहीं हुआ तो कमाल करती हैं सुजैन जी अगर रोमियो यहाँ पर नहीं है तो मेरा वाहेगुरु मुझे यहाँ क्यों लाता क्या मतलब तुम तो बिल्कुल अमेरिकन हो गई हो दिमाग नहीं है वाहेगुरु रब वाहेगुरु ने मुझे यहाँ पर किसी मकसद के लिए भेजा है छुट्टी के लिए भेजना होता तो शिमला भेजता निहाल तुम्हें गॉड पर इतना भरोसा है जी यहाँ आने से पहले मेरी बेबे ने मुझे एक बात समझाई थी क्या गुरुओं का मुझे पता था अमरीका में गंडे नहीं मिलते इसलिए मैं अपने साथ लाया हूँ हाँ तो देखो निहाल सिंह तुम्हारी मदद से हम रोमियो की तस्वीर कंप्यूटर पर बनाएंगे और वो तस्वीर को पोस्टर बना के हम पूरे अमेरिका में लगा देंगे रोमियो बहुत चलाक है अपनी तस्वीर देखेगा ना तो चुकन्ना हो जाएगा जिसने हवलदार निहाल सिंह को उल्लू बनाया है वो कोई अंगूठा छाप नहीं है पूछो क्यों He wants us to ask him why. Why? Zed. What is he saying? अरे देखो मैंने अंग्रेजी पढ़ी है मैं मिडिल क्लास पास हूँ सुनो A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y Z अब बता रोमियो अंगूठा छाप क्यों नहीं है क्यू व्हाट्स क्यू ही वांट्स अस क्यू आर एस टी यू वी निहाल सिंह नॉट क्यू क्यों नेजली डू इट लाइक दैट क्यों नेजली क्यों 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 क्योंकि उसके बाएं हाथ में अंगूठा नहीं है व्हाई इज ही लाफिंग ही सेज रोमियो डजंट हैव अ थंब ऑन हिज लेफ्ट हैंड नो थंब व्हाट्स फनी विद दैट He made a joke. Oh, God. Yes, God. Romeo God को बहुत मानता है. हर रविवार को चर्च में कॉन्फेस करने आता है. इस रविवार को भी आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे. Easy. पर न्यूयॉर्क में तो यहाँ 56 चर्चेज हैं. तो 56 चर्चों में हम लोग पहरा रखेंगे. अमेरिका है भैया. खलील ने बताया कि न्यूयॉर्क का ब्लास्ट रोमियो के जरिए बहुत परफेक्ट हुआ था. रोमियो का हर काम परफेक्ट होता है. इसलिए तो दुनिया का हर आदमी अपने सारे ऐसे काम रोमियो से करवाता है Now listen, the next target, 19 जनवरी को न्यूयॉर्क के ग्रैंड हयात होटल में इंटरनेशनल इस्लामिक विमेंस कॉन्फ्रेंस है
वहां यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की बीवी मार्था चीफ गेस्ट है। देयर विल बी वन ब्लास्ट एंड फिनिश्ड। हो जाएगा। यह हमारा ऑफशोर बैंक अकाउंट नंबर है। कल तक पैसे ट्रांसफर करा देना। रोमियो कोई काम एडवांस के बिना नहीं करता। इंटरेस्टिंग आदमी है रोमियो, लेकिन ये खुद लोगों से क्यों नहीं मिलता? आप जो ये सारे काम रोमियो से कराते हैं, वो खुद क्यों नहीं करते? एक बात बताओ, रोमियो नाम का आदमी सचमुच है या नहीं? आपने कभी हवा को देखा है? नहीं। पर वो है। आपने कभी बिजली को देखा है? नहीं। पर वो है। आपने कभी गॉड को देखा है? नहीं। पर वो है। इसी तरह रोमियो को कभी किसी ने नहीं देखा, पर वो है। जाने का वक्त हो गया है। मेनलैंड की शिप मिस हो गई, तो 3 दिन भामस में ही रुकना पड़ेगा। तो रुक जाओ, 3 दिन साथ रहेंगे, बिजनेस के लिए अच्छा है। रोमियो को अगर इस बात का पता चल गया तो वो आपको मार डालेगा, और किसी को भी फ्री मारना हमारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। गुड बाय। 18,000 microns of C4. Wow. Lisa, तुम ये बैग लेकर होटल में जाओगी, वहां इसे छोड़ोगी, यू कम आउट। मैं रोबोट दबाऊंगा एंड मार्था स्टुअर्ट इज डेड। रोमियो, पर वहां कॉन्फ्रेंस में बाकी की औरतें? वो भी मार्था के साथ। सतिंदर कौर? Call me Suzanne. Suzanne? यहाँ अमेरिका में लोग सतिंदर बोल नहीं पाते, इसलिए बचपन से people call me Suzanne. इसका मतलब है निहाल सिंह बचपन से अमेरिका में आया होता तो लोग उसे निहांग बोलते। Just keep quiet. Suzanne, निहांग। अच्छा, ये मेरी बहन है मंजीत कौर, इसका पता चाहिए। ओके, यह हम बाद में जाएंगे, तुम यही रुको, मैं ऊपर से पाल होकर आती हूँ। Don't move. क्या? हिलना मत, यही रुको। ओ, चिल्लाती क्यों है? May I have your bag, please? Thank you. Ma'am, are you okay? What's wrong? Ma'am, excuse me. Ma'am, oh my God. Ma'am, are What's you okay? What's happened to her? Ma'am, are you all right? I think I'll call 911. No, I'm okay. I'm fine. Okay, thank you. मैडम जी, अभी आपको अस्थमे का अटैक था। नहीं, दमा था, दमा। हमारे यहाँ की कहावत है कि दमे को दम से ही ठीक किया जाता है। ओके ओके। अगर आप अपना दमा ठीक करना चाहती हैं ना, तो हर दिन सुबह सुबह ये गंडा खाया कीजिए। इसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, क्या पता अमरीका में कभी लू लग जाए। ओके ओके। There's a Starbucks and I can get you a Sephora Rashid. Ma'am, may I have your registration card, please? I think I left it in my car. I'll be back. Okay. Madam Ji! Bye! Tata! मैडम मैडम बैग बैग मैडम औरत मैग मैग सिक सिक मैडम बैग निहाल निहाल बैग देकर आ रहा हूँ। निहाल रुक जाओ। गई निहाल, what are you doing here? मैंने बोला तो होटल में मेरा वेट करना। अरे गाड़ी वाली मैडम अपना बैग भुलाई थी, मैं उसे देने आया था। I don't care. चलो यहाँ से। ओए नहीं, come on. उसका चलो चलो come on. मैं कोई न्याना थोड़ी ना। रोमियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें तो पार्किंग लॉट में मिलना था ना। बस यही सोच रहा हूँ कि जब बम फटेगा तो क्या पूरी बिल्डिंग गिरेगी आधी। Please stop it, Romeo. अच्छा, बैग रख दिया वहाँ पे? हाँ। मार्था स्टुअर्ट कब आ रही है?
She'll come any time. Romeo, Martha conference room तक तो पहुंच गई होगी. इसे ये बाइक तुम्हारा है? हाँ, इसी में तो बॉम्ब है. बॉम्ब! ये बैग गाड़ी में कैसे आया? मुझे नहीं मालूम. कैसे आया ये बैग? मैं बैंक जा रही हूँ, तुम यहीं रुकना. President arrives on the 4th of July. You're so, right. What do you mean you don't know where he is? He just vanished. The guy's mad. Holy shit! How do we find him? I'm sure he'll come back. Oh yeah? Where is he gone? You don't worry, guys. Eh? Your child is going to be perfect. Healthy auntie coming out. No tension, no worry. Manjite? Nihal, kithe? Sasrikaal, ki haal hai tera? Enne din ho gaye, na koi atta, na koi pata. Eh, koi gal hui, baith ja. Achha, jija ji kithe hain? Doctor saab, inke bacche ka operation kar rahe hain. Kya hua? Badi sad story hai. Masoom bacche ko cancer ho gaya. Operation if fuck fake fool, fuck fake fool. Suniye, Nihal aaya hai. अरे कैफे हो फाले फाब. फाले फाब? हाँ फाले फाब, घर पे फाब ठीक है ना? ठीक. मंजीतो जी, जीजा जी क्या बोल रहे हैं? ओ हो निहाले, डॉक्टर साहब को बीमारी है. ये सर को सर बोलते हैं. अरे वे सर को सर नहीं बोलेंगे तो फिर क्या फाब बोलेंगे? वही तो मैं कह रही हूँ. समझ गए फाले फाब? सिक्का ना करो सिक्का. हाँ, समझ गया, समझ गया. अब मेरा मतलब है सब समझ गया. आप सर को फो बोलते हैं और आप फो को सब बोलती हैं. फर्स्ट क्लास. बच्चा ठीक हो गया है? ओए, ये तो कुत्ते का बच्चा है. तो मैं भी जानवरों का डॉक्टर हूँ. तो फाले फाब, अमेरिका कैफे आना हुआ? ओ जी, रोमियो नाम के एक टेररिस्ट ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है. उसे ढूंढने में अमेरिका आया हूँ. आज मुझे वो दिख गया था. मैं उसे पकड़ने ही वाला था कि वो भाग गया और मैं होटल का रास्ता भूल गया. निहाले, कौन से होटल में ठहरा है तू? ओ जी, ऊंची बिल्डिंग वाला. लेकिन होटल का नाम क्या है? ओ जी, नाम नहीं पता, बिल्डिंग ऊंची है. न्यूयॉर्क में तो सभी बिल्डिंग ही ऊंची होती है. कोई आस पास का निशाना याद है? हाँ हाँ, उसके पास वाली बिल्डिंग उससे ऊंची है और बगल वाली उससे भी ऊंची है. ऊंची? ओहो, ये ऊंची नीची छोड़ो, निहाल के ऊंचे होटल की तलाश करो जाके. जब तक मैं सेक्स करती हूँ. ओ मंजी, तो कुछ ना शर्म कर. निहाले, अमेरिका विच कोई भी काम करने से पहले सेक्स करना बहुत जरूरी होता है. तू थोड़ी अमेरिकन है. फालेफाब, आप भूल गए. ये फ को फ बोलती है, सेक्स कर रही है, समझे? चलो हम होटल ढूंढते हैं. ये है न्यूयॉर्क की आखिरी ऊंची बिल्डिंग. क्या ये आपका होटल है? जीजा जी, मैंने बताया था ना कि पास वाली बिल्डिंग उससे ऊंची है और बगल वाली उससे भी ऊंची है. ये तो सबसे ऊंची है. जा, मेरा फोन लेकर आ. हेलो. हाँ डॉक्टर तैयब अली हैं. कौन बोल रहा है? सिकंदर बोल रहा हूँ. सिकंदर, वही जिसने पोरस को हराया था? शट अप. तैयब अली को फोन दो. जीजा जी, कोई सिकंदर? अरे सिकंदर साहब. हेलो सिकंदर साहब. डॉक्टर, मुझे लगता है कि मेरा कबूतर बीमार है. आप जल्दी ढाबे पे आ जाओ. हाँ हाँ, बस बस, मैं अब भी आया. चल चल गाड़ी में बैठ जा. बैग? उस दिन बैग आप होटल में भुलाई थी, मैंने उठाकर आपकी गाड़ी में रख दिया था. तो वो बैग मेरी गाड़ी में रानहयात होटल के बाहर आपने रखा था? क्या नाम बताया आपने होटल का? ग्रैंड हयात. मैं एक मिनट आई. ग्रैंड हयात. निहाल, ग्रैंड हयात,
निहाल चल चलते हैं। ग्रैंड हयात, 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 मेरे होटल का नाम। अच्छा चल जल्दी चलते हैं। उस सरदार ने खुद मेरे से आके कहा कि वो बैग उसने हमारी कार में रखा था, बार बार मुस्कुरा के बात कर रहा था। कुछ तो बात है रोमियो। अरे रिलैक्स लीजा, ये सरदार बड़े भोले होते हैं। अरे मुझे भी एक सरदार मिला था, बेचारा मुझे रोते हुए देख के खुद रो पड़ा और मैं हंसते हंसते उसके सामने ही भाग गया। It's on the second level. Hold on, please. Any news of Mr. Nihal Singh? No. Yes, sir. It will be open. Thank you. रोमियो लग गया अमेरिका से, रोमियो लग गया, रोमियो लग गया, रोमियो 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 लग गया, लग गया, लग गया रोमियो। ये खुशी से नाच रहा है, तुम सब लोग क्यों नाच रहे हो? जब साडा सरदार भाई खुश है तो असी खुश है, जब साडा सरदार भाई नचता पे तो असी नचते पे हैं, जब असी सब लोग खुशी ना नचते पे हैं तो तेरी की प्रॉब्लम है कुड़िए। ਉੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਚੰਨ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਨੀ, ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰਨੀ। ਉੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ। ਰੋਮੀਓ ਕੋ ਫੋਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੂਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਚਪੇਟ ਲਗਾਵਾਂਗੀ। ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਚਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਚੰਨ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਬੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ। हेलो कौन जी? हेलो, ओ मैं निहाल बोल रहा हूँ। ओए रोमियो तेरा की हाल है? ओ रोमियो तेरा पियो, रोमियो तेरा खानदान, समझ गया? बेबे नु फोन दे। हाँ तेरी बेबे इत्थे इत्थे, रुक जा रुक जा। ओए बेबे सबर नाल काम ले। ओए निहाले, पैरी पहना बेबे, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, तू चंगा है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वाहेगुरु दी कृपा है। बेबे आज रविवार है, मैं रोमियो को आज ही पकड़ लूंगा। तू फिकर मत कर, रब तेरे साथ है पुत्र। बेबे बाबूजी और सतनाम कैसे हैं? ठीक है ठीक है। बेबे मेरे को कहीं जाना है, मैं फिर बात करता हूँ। बत्ती बाल के बने रे उते रखनिया किते, पुल ना जावे रोमियो मेरा। वाह भाई वाह। मेरा पुत्र आ रहा है फतेह करके, और अब की बैसाखी सबके मुंह लाल होंगे तो तेरा मुंह होगा काला। सुजान जी सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग निहाल। होर की हाल है? What did you say? होर की हाल है? You call me a whore? होर? A whore? होर? Oh God, निहाल, are you mad or something? You don't understand or what? अरे गुस्से क्यों हो रही है? मैंने तो सिर्फ पूछा, होर की हाल है? I'm not a whore. Not whore? अरे भाई मैं होर को होर नहीं बोलूँगा तो फिर क्या बोलूँगा? Oh God, निहाल, होर वो औरत होती है Who sells a body? Body? Body. 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 Oh, body. 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 Now do you understand? अब समझ में आया? रब्बा, निहाल दा ध्यान रख, लगता है बहुत बड़ी मुसीबत से फंसा हुआ है। ये FBI का सर्वेलेंस एरिया है, यहाँ से हम सब पर नजर रख सकते हैं। हमने न्यूयॉर्क के सारे चर्चों के बाहर कैमरे लगा दिए हैं और हर चर्च के बाहर हमारी स्वॉट टीम तैयार है। यहाँ से बैठे बैठे तुम्हें दिख जाएगा कि रोमियो किस चर्च में आएगा। जैसे ही तुम इशारा करोगे हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। गुड 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 गुड। अरे भाई रोमियो तो आज ही मिल जाएगा, मेरी और रोमियो की इंडिया की टिकट आज शाम की कर दो। टिकट? अरे भाई बगैर टिकट के थोड़ी ना हम जहाज की सैर कर सकते हैं। निहाल तुम रोमियो को इंडिया लेकर जाओगे?
और नहीं तो क्या, यहाँ तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। निहाल, तुम रोमियो को इंडिया नहीं लेकर जा सकते, वो अमेरिका में मोस्ट वांटेड है। अरे वो हमारे गांव में भी मोस्ट वांटेड है। मनोज, what's he saying? He says he's gonna take Romeo back to India. You're not taking him anywhere. अरे चिल्ला मत, नहीं तो जा, तू खुद ही ढूंढ ले रोमियो को। निहाल, तुम्हें रोमियो को पहचानना पड़ेगा। अगर मैं उसे पहचानूंगा तो इंडिया लेकर जाऊंगा। निहाल, तुम्हें यहाँ रोमियो को पहचानने के लिए लाया गया है और तुम्हें उसे पहचानना ही पड़ेगा। तुम नहीं जानती रोमियो की वजह से मेरे ऊपर क्या बीती है। मैं रोमियो को पहचानूंगा, लेकिन उसे पहले इंडिया लेकर जाऊंगा, उसके बाद तुम अमेरिकन लोग। I think he sees Romeo in one of those monitors. तुम्हारी सिक्योरिटी हर चर्च में है? हाँ हाँ। तो जल्दी से भेजो, नहीं तो लोग मारे जाएंगे। What is he saying? अरे जल्दी से भेजो। जानते हो तुम्हारी वजह से आज कितने लोगों की जान जा सकती थी? तुम्हारी वजह से आज रोमियो हाथ से निकल गया। मेरी वजह से लोगों की जानें बची हैं और तुम्हारी वजह से आज रोमियो हाथ से छूट गया। अगर तुम लोगों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो रोमियो बेगुनाह अमेरिकनों की जान लेता रहेगा। निहाल सिंह, ओए चिल्ला मत, मैं चीख पड़ा ना तो तुम लोगों की चीखें निकल जाएंगी। देखो निहाल, तुम्हें यहाँ FBI की मदद करने के लिए लाया गया है। मदद करने के लिए नहीं, अपने मतलब के लिए बुलाया तुम लोगों ने। बड़े मतलब ही हो तुम लोग, बस अपने बारे में सोचते हो, खुद गज जो ठहरे। अरे इस बात को तुम कैसे समझोगे कि रोमियो की वजह से मैंने अपना सब कुछ खोया, अपनी नौकरी खोई, अपने बाबूजी की इज्जत, यहां तक कि अपनी बहन की सारी खुशियां। इन बातों को तुम कैसे समझोगे? What did this jerk say? He's refusing to identify Romeo. Tell him if he does not cooperate, he is going back. Nihal, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हम तुम्हें आज ही इंडिया वापस भेज देंगे। I want you out of here. Now. अच्छा दे यार, उंगली हटा। तुम अमेरिकन दुनिया को अपनी उंगली पर नचा सकते हो, लेकिन हिंदुस्तानी को नहीं। मेरा वाहेगुरु मुझे यहाँ लाया है और वाहेगुरु जी दी सौ, मैं रोमियो को पकड़कर अपने गांव ले जाऊंगा और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। चर्च में स्वॉट है। क्या स्वॉट? Did you confess? I need to confess. Suzanne,
Keep Nihal Singh handcuffed. Do not let him out of your sight. तुम्हें एक हफ्ते में निहाल को कन्विंस करना पड़ेगा कि अगले संडे को वो रोमियो को पहचान ले। कैसे? How do I convince this idiot? I'm sure you'll find a way. Turn your charm on. Shut up. Suzanne, for us to get Romeo, it's very, very important. Oi, Suzanne! Hi, Rappa! Hi, Rappa! Hi, baby! Arey, lagta hai saada Nihal ko badi musibat vich hai. Hi, Rappa, main saada Nihal nu bacha le Rappa. Hi, Rappa. Nihal, us warehouse mein usse laya jata hai jo FBI ke saath dhoka karte hai. Meri baat mano, Romeo ko identify kar lo. Puri duniya janti hai ki hum FBI walon ka dil nahi hota. Information ugalwane ke liye hum kisi bhi had tak ja sakte hain. Aao Nihal. इस आदमी ने हमें एक टेररिस्ट सेल की इंफॉर्मेशन प्रॉमिस की थी पर अब ये कोऑपरेट नहीं कर रहा देख रहे हो इसका हाल कम ऑन मैन स्पीक अप टेल अस व्हाट यू वांट अस टू डू ओके 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 चल उठ निहाल इसे तुम लोग थर्ड डिग्री कहते हो अरे हमारे यहाँ हेडमास्टर बच्चों को इससे ज्यादा मारता है थर्ड डिग्री क्या होती है ये मैं तुम लोगों को बताता हूं He's an FBI agent. अरे पुलिस वाला होकर पुलिस वालों से गद्दारी? Yes. Hey. यहाँ ये गद्दार नहीं है. यहाँ ये हमारा आदमी है. तो ये ड्रामा था मुझे डराने का. कान खोल कर लिसन. Romeo, go India. Nihal Singh, shut up, you bloody Indian! Oh, एक दूंगा ना, यही ढेर हो जाएगा। Nihal, छोड़ो इसे। चुप भाई। FBI के चमचे। Shut up. The FBI is the best security agency in the world. कहाँ का best? तुम्हारे अमेरिका में टेररिस्ट आए, तुम ही से ट्रेनिंग ली, तुम्हारी प्लेन चुराए, तुम्हारी बिल्डिंगें तोड़ दी। क्या किया तुम लोगों ने? बस देखते के देखते रह गए। FBI. Fully bevkoof insan. Watch your language. If you don't... Not if! Not but! Safe! Jack! Hello? Hello, kon bol raha ji? Oye, Nihal bol raha hun. Oye, Romeo, tera ki haal hai? Achha, boy! Achha, ek baat to bata, gaddar ko Amerika ki bhasha mein kya bolte hain? अमेरिका में गद्दार को सरपंच कहते हैं। क्या है? बजे तेरे गद्दार बेटे का फोन आया। नियाले, की हाल है? बेबे कूल कूल हाँ ठंड तो घट गई है बेबे तेरे को समझ में नहीं आ रहा बैसाखी विच नहीं आया बड़ी फिकर हो रही है बेबे वाहेगुरु मेरा इम्तिहान ले रहा है लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी अगले रविवार को मैं रोमियो को कैसे भी पकड़कर गांव लेकर आ रहा हूँ रब तेरे साथ है बेबे बोल पुत्र अपनी सतनाम किदा है ले हेलो बीजी सतनाम कैसी है तू मैं अच्छी हूँ अरे क्या कहते हैं अंग्रेजी में हाँ लव यू सतनाम हाँ वीर जी बाऊजी और बेबे का ख्याल तूने रखना है हाँ जी फिर फोन करता हूँ अपना ख्याल रखना वीर जी ओके वीर जी बाय निहाल जरा इधर आना ये लड़की तो चैन से रोने भी नहीं देती हाँ बोलो निहाल इधर आओ हैं? आज तू रोमांस दे मूड छे निहाल मैं हेल्थ क्लब जा रही हूँ थोड़ी देर में आ जाऊंगी ओए तू तो सरपंच से भी कमी नहीं निकली डोंट शाउट
रिलैक्स। कमीनी, 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 कमीनी। बाय। कमीनी। Till what time is the health club open? I really don't know, ma'am. Maybe for 1 hour, ma'am. Okay. And jacuzzi? It will also be open. अरे मैं तुझे लॉबी में कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ छुपे खड़े हो। अरे सुजैन, खैर मुझे एक आदमी को इंडिया गैर कानूनी तरीके से लेकर जाना है। गैर कानूनी? वो आतंकवादी रोमियो। रोमियो? हाँ, मेरा उसे यहाँ से ले जाना बहुत जरूरी है। ऐसा काम तो सिकंदर फाब ही करवा सकते है। आपका मतलब सिकंदर? हाँ सिकंदर फाब, मैं फोन करता हूँ। हेलो, सिकंदर साहब, मैं तैयब बोल रहा हूँ। मेरे फाले को आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? आप उफी से बात कीजिए। हेलो, हेलो सिकंदर साहब। हाँ। मुझे एक आदमी को गैर कानूनी तरीके से इंडिया लेकर जाना है। तुम्हें उसे बफलो से ले जाना पड़ेगा। बफलो? बफलो जगह का नाम है। बफलो से आसानी से कनाडा में जा सकते हो और वहाँ से इंडिया। मैं तुम्हारा और उस आदमी का नकली पासपोर्ट बना दूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद जी। तुम उस आदमी को लेकर मेरे पास आ जाना। और आप आपको लंबी उम्र दे। धन्यवाद, चलो ये काम तो हो गया। हाँ, तो फिर चले। जी चाची, वहां से नहीं पीछे से। अच्छा अच्छा चल। ये फुजैन कौन है? FBI एजेंट है। FBI? तू कर क्या रहा है? ओ जीजा जी, घर जाके बताता हूँ, यहाँ से जल्दी निकलो। ये वही रुक जाओ निहाल। Stop or I'll shoot. निहाल तुम समझते क्यों नहीं, तुम्हारी लाइफ डेंजर में है। रोमियो को इंडिया ले जाने की जिद छोड़ दो। परसों संडे है, रोमियो को पहचान लो, ये चैप्टर हमेशा के लिए फिनिश कर दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो रोमियो को पहचान लो, फॉर माय सेक। निहाल, आई ओके? निहाल, ये तुम क्या कर रहे हो? निहाल स्टॉप इट। आई ओके? निहाल, ये तुम्हें क्या हो गया है? निहाल स्टॉप इट, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। आज मैं बड़ी खुश हूँ, मैंने लगता है अमेरिका में अपना निहाल भी निहाल हो गया। सुजैन जी, थैंक यू। निहाल, परसों रोमियो को पहचान लो प्लीज। थैंक यू। सुजैन जी, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं परसों रोमियो को नहीं पहचानूंगा। What? अभी तो तुमने बोला था कि तुम पहचान लोगे। अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। आप न्यूयॉर्क में? लीजा ग्रैंड हैथ होटल वाला काम हुआ नहीं। But I can explain. जैसे रोमियो फ्री में काम नहीं करता, वैसे मैं भी फ्री में पैसे नहीं देता। आपके पैसे रोमियो वापस दे देगा। पैसे तो मुझे वापस मिल ही जाएंगे, लेकिन पैसों के अलावा मुझे रोमियो चाहिए। लीजा, रोमियो को लेकर अगले हफ्ते बहामास पहुंच जाना, मैं इंतजार करूंगा।
Come on, guys. We have to convince Nihal. But the president's gonna be here on the 4th of July. We have to get him before then. Listen, guys. I think I'm gonna let Nihal go. Let him go? What? Let him go. Isn't she crazy? Suzette, अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो हम रोमियो तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे. Manoj, Nihal ने फैसला किया है कि वो रोमियो को किसी भी तरह इंडिया ले जाएगा. मैं उसे छोड़ दूंगी, लेकिन उसका पीछा करती रहूंगी. And I'm sure, Nihal रोमियो को किसी भी तरह ढूंढ निकालेगा. वो उसे जैसे ही पकड़ेगा, हमें हमारा रोमियो मिल जाएगा. रोमियो, आज तो वो मुझे मार ही डालते. मैंने उनसे कहा कि उनके पैसे वापस मिल जाएंगे, पर वो लोग नहीं माने. वो चाहते हैं मैं तुम्हें बहामस लेकर आऊं. अगर हम वहां गए तो वो तुम्हें मार डालेंगे, और अगर नहीं गए तो वो मुझे मार डालेंगे. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. लगता है हमें ये शहर छोड़ के भाग जाना चाहिए. रोमियो और भागना? ग्रैंड का काम नहीं हुआ उस भोले सरदार की वजह से, जिसने तुम्हारा वह बैग गाड़ी में वापस रख दिया. क्या है कि बेवकूफी का इलाज तो है ही नहीं, पर सजा तो जरूर है. मुझे वो सरदार मिलेगा कहां? ऐ की कर रही है? निहाल, मुझे तुम्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था. यू फ्री ना, जाओ रोमियो को पकड़ो, ले जाओ उसे इंडिया, अपने गांव और अपनी फैमिली की इज्जत के लिए. ओए, बेवकूफी मत कर. मैंने भी रोमियो के साथ हमदर्दी जताई थी और आज तक रो रहा हूँ. तू फंस जाएगी, तेरी नौकरी जाएगी, प्रोविडेंट फंड जाएगा, और सारे अमेरिकन तुझे सुजान नहीं निहाल सिंह कहेंगे. तेरी कोई बहन है? नहीं. होती तो उसकी मंगनी टूट जाती.
को बनाया तूने मुझे, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बहुत दुख दिया तूने मुझे। अब मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा, तुझे कौन ले जाऊंगा, चल। निहाल सिंह, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अमेरिका की पुलिस मुझे यहाँ से नहीं जाने दी। ओए फिर से बात है, अब तू मेरी बात सुन, मेरे जीजा जी का एक दोस्त है सिकंदर साहब, वो मुझे। सिकंदर? सिकंदर साहब का नाम सुन के डर गया, उन्होंने मुझे बताया यहाँ से मैं तुझे बफलो लेकर जाऊंगा, वहां से कनाडा और कनाडा से जाली पासपोर्ट लेकर सीधा गांव। निहाल, रोमियो को मेरे हवाले कर दो। सुजैन, गिव हिम टू मी। निहाल, गिव हिम टू मी, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। मेरी एक बात अंग्रेजी में सुन ले, और की हाल है? Alex, Sykes, into the water. Why'd you let him go? अरे बंद करो अपना ये नाटक, मैंने पहले ही कहा था कि मैं रोमियो को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम रोमियो को कहीं नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि इसके बाद रोमियो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। अरे रोमियो मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरा वाहेगुरु मेरे साथ है। तुम्हारा वाहेगुरु कुछ नहीं कर सकता। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। Come on guys, let's go. निहाल चलो। लीजा, कम हियर। ओ कम ऑन, डोंट गेट स्केयर्ड, कम हियर। आओ आओ, तुम बहामास नहीं आए इसलिए मुझे फिर न्यू लगाना पड़ गया। वो एक्चुअली हम आए। बात समझने की कोशिश करो लीजा। देखो ना, मैंने हवा को देखा, ना बिजली को देखा, ना गॉड को देखा और ना रोमियो को देखा। हवा, बिजली, गॉड, इन सब चीजों को मैं कभी देख नहीं पाऊंगा, लेकिन रोमियो को अब मैं जरूर देखूंगा। अगर रोमियो थर्सडे के क्रूज पर बहामास नहीं पहुंचा तो सोच लो कि तुम्हारा क्या हश्र होगा। उन्होंने कहा कि कल ही रोमियो को लेके बहामास आइलैंड आ जाओ, लेकिन मैंने उनसे किसी तरह से एक हफ्ते का टाइम मांग लिया है। रोमियो, मुझे लगता है हमें अमेरिका छोड़ के चले जाना चाहिए, नहीं तो वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। रोमियो, आई एम वेरी सीरियस। तैयबली को फोन करो, उसे कहो वो अभी यहाँ पे आए। निहाल सिंह, वो तो खुद मुझे नहीं मिला है, वो तो रोमियो के पीछे जूलियट की तरह पड़ा है। ए! तेरे साले के वजह से रोमियो मेरे पीछे पड़ा है। है? आपके भी पीछे पड़ा है, मेरे साले का भी पीछे पड़ा है। मुझे लगता है वो टेरिफ नहीं है, वो तो होमोफेक्चुअल है, मर्दों के पीछे भागता है। फिकंदर फाब, मैंने आपको बोला था ना, फाब नहीं पालना चाहिए, देखा आपका अंगूठा खा गया। शट अप। देख डॉक्टर, मुझे 24 घंटे के अंदर निहाल सिंह चाहिए, अगर मुझे नहीं मिला तो समझ ले कि तू गया ना। गेट अप। रोमियो, ये तुमने क्या किया, उसे बिना अंगूठे का हाथ दिखा दिया। अब निहाल सिंह को पता चल जाएगा कि सिकंदर ही रोमियो है। यही तो मैं चाहता हूँ, जब निहाल सिंह को ये खबर मिलेगी तो साला भागता आएगा। एंड देन आई विल किल हिम। ओहो निहाले, तूने रोमियो को जाने क्यों दिया? ओ मंजीते, तू फिकर ना कर, मैं उसे फिर से पकड़ लूंगा। ठीक है। निहाल सिंह, we are placing you under arrest. For what? For abetting terrorism. Suzanne, put the handcuffs on him.
Yihao Singh, you have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. पकड़ के ले जाऊंगा, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, देख लेना। If you cannot afford it, Nihal, कुछ और मत करो। सब ठीक हो जाएगा। Do you understand your rights? Do you have anything else to say? Yeah, he is. He should cooperate. अगली मोड़ पर दरवाजा खोल देना। दरवाजा? हाँ। Tell me what you're talking about. Nothing. I'm just telling him what he's done is wrong, and he should apologize for it. Yeah. Look, just tell him to cooperate and he'll be fine. Nihal, agle mod par darwaza khol kar kood jana. You're right. Kood jana. Let's face it, Suzanne has ditched us. Tell the news. Nihal Singh runs off with Suzanne as hostage. I think we should keep a watch on Tayyabali's house. Yeh toh toorti nahi. क्या देख रही हो? तुम्हारी आंखों में जो दिल है वो देख रही हूं। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से तूने एफबीआई से गद्दारी की। गद्दारी तब करती जब सच्चाई का साथ न देती। सुजैन, आज तूने मेरा दिल जीत लिया। Are you still outside Tayyab Ali's place? Yes, sir. Any sign of Nihal? सुजैन, जीजा जी हमें सिकंदर साहब के पास लेकर जाएंगे। हाँ, लेकिन क्या हुआ? FBI। It's getting late. Did they expect us to stay here all night? चलो पीछे के रास्ते से चलते हैं। ये सिकंदर साहब तो मुझे मार ही डालेगा। मंजीते, मेरे मर जाने के बाद तू दूसरी शादी कर लेना किसी ऐसे आदमी के साथ जो फादी को फादी और फगाई को फगाई ना कहता हो। इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं किसी ना किसी को ढूंढ लूंगी। आखिर मैं सारी लाइफ अकेले थोड़ी ना रह सकती हूँ ना। तुम पीछे से क्यों आई? तैयब भाई सामने एफबीआई एजेंट्स है। एफबीआई? तुम कर क्या रहे हो? हुआ क्या जीजा जी? तुम्हारी कोई हरकत की वजह से मेरे सामने FBI, मेरे पीछे सिकंदर साहब और सिकंदर साहब के पीछे रोमियो। रोमियो? हाँ, तुम्हारे कारण रोमियो ने सिकंदर साहब को जान से मारने की धमकी दी। सिकंदर साहब ने इसी वहशत में मुझे मारने की कोशिश की, मेरा गला दबा दिया। ऊपर वाले की मेहरबानी है, उनका अंगूठा ही नहीं है, नहीं तो मैं मर जाता। निहाल सिंह जब तक नहीं मरेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जिस रोमियो ने दुनिया में दहशत फैलाई है वो चूहे की तरह डर के भागेगा नहीं। रिलैक्स रोमियो, रिलैक्स। तुम एक बात समझ लो कि US में हमारी जान को खतरा है। प्लीज ये विक पहन लो और फेक पासपोर्ट के लिए तुम्हारी फोटोग्राफ चाहिए। सिकंदर, बाहर निकल, बाहर निकल सिकंदर। मैं जानता हूँ तू रोमियो है। देखा, मेरे भाई गुरु ने तुझे ढूंढ निकाला। अरे आज मैं तुझे अपने गाँव लेकर जाऊंगा।
मैड, उसके साथ एक लड़की भी है, एफबीआई ऑफिसर है। दिमाग से काम लो, उसके पास बैकअप जरूर होगा। अरे बाहर निकल, ओए बाहर निकल, भगोड़े बाहर निकल, निकल बाहर। ओए कौन हो तुम, क्यों मेरी बेटी को गाली दे रहे हो? आप रोमियो के बाबूजी? हाँ। बहुत ही बदनसीब बाप हैं आप। आपको पता है आपका बेटा जल्लाद है, जल्लाद। रोमियो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है। मेरा रोमियो टेररिस्ट? मेरा रोमियो टेररिस्ट? नहीं! बचपन में खिलौने की बंदूक से खेलते खेलते बोलता था कि बड़ा होके मैं टेररिस्ट बनूंगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि बड़ा होके वो ऐसे ही निकलेगा, वरना उसे जान से मार डालता। वही चेहरा, वही आवाज, वही माफी मांगने का ढंग, लेकिन दिल कितना अलग है। चाचा जी, मैं एक बाप का दर्द समझ सकता हूं। आप ही सोचिए मेरे बाबूजी पर क्या बीतती होगी जब गांव वाले उनको ताना देते हैं कि उनका बेटा गद्दार है। सही करो बेटा, बात हद से बढ़ चुकी है। रोमियो कल मायामी से क्रूज पे बहामा आइलैंड जा रहा है। मुझे लगता है वो कुछ खतरनाक काम करने वाला है। बेटा तुम उस क्रूज पर पहुंचो, रोको इसे, मिटा दे रोमियो को, उठा ये बंदूक। चाचा जी, इसका लाइसेंस है आपके पास? था, पर रोमियो ने खो दिया उसे। मैंने रोमियो को मारना नहीं है, जिंदा पकड़ना है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जा बेटा, तू जहां जहां जाएगा मेरा साया तेरे साथ रहेगा। सुजैन, ये मामी कहाँ है? मायामी। हाँ, हम घर ही चलते हैं, इसका बंदोबस्त मैं कर लूँगी। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुमने निहाल को क्रूज पे क्यों भेजा? क्योंकि हम भी इस क्रूज पे जाने वाले हैं। व्हाट, आर यू मैड? अगर हम उस क्रूज पे गए तो अल्फता वाले हमें जान से मार डालेंगे। लीजा, रोमियो की शक्ल दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। तुम उस क्रूज पे अल्फता वालों को निहाल सिंह दिखा के कह देना कि वही रोमियो है, और हम समंदर के बीच निहाल सिंह की मौत का लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। अभी अभी मिली खबर के अनुसार निहाल सिंह न्यूयॉर्क से फरार हो गया। जी 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 जी, गद्दार तो गद्दार ही होता है बेबे। अब तो बेबे दो चार पुलिस वाले तेरे घर पर तैनात कर देने पड़ेंगे जब वो गद्दार निहाल इधर भाग कर आएगा ना। निहाल, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। भाई, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं कोई चोर उचक्का थोड़ी हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। निहाल, try to understand। अगर तुम अपने अपीयरेंस नहीं बदलोगे तो रोमियो तुम्हें क्रूज पर पहचान लेगा, फिर वो तुम्हारे कभी हाथ नहीं लगेगा। सही बोल रही हो तुम। हेलो हेलो हेलो, the FBI has issued an all points bulletin for Nihal Singh, who has escaped from their custody. Nihal Singh was brought to the USA. The agency is unearthing a major terrorist ring. Nihal Singh, Susan, baby, America is here. Kyun? May I help you? One slice of pepperoni. Oh. Excuse me, sir. Do you have the time, sir? रोमियो, तुमने यही गेटअप क्यों लिया? तुम शायद समझे नहीं लीजा, एक सरदार दूसरे सरदार को बहुत जल्दी अपना दोस्त बना लेता है। मैंने हाल सिंह को अपना दुश्मन नहीं पर अपना दोस्त बना के बहामस तक अल्फता के पास ले जाना चाहता हूँ। वाओ, स्कीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन निहाल सिंह ने कहीं तुम्हें पहचान लिया तो? लीजा, मुझे कोई नहीं पहचानेगा। निहाल सिंह को कोई नहीं पहचान पाएगा, कोई नहीं। क्यों बेबे? ओ बिल्कुल पुत्र,
तेरा विश्वास देखकर मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि तुझे कोई नहीं पहचान सकता, पर तू है कौन? दादी आप भी कुछ भी बोलती है, ये निहाल सिंह है, निहाल सिंह, तो लोग कैसे नहीं पहचानेंगे? मैं कौन हूँ? निहाल। नहीं मैं कौन हूँ? निहाल। नहीं मैं कौन हूँ? निहाल। अरे भाई मैं कौन हूँ? निहाल सिंह। नहीं मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानती। देखा बेबी इसने भी नहीं पहचाना। तो कैसे पहचानेगी? अरे जब निहाल सिंह खुद कह रहा है कि वो निहाल सिंह नहीं है तो लोग निहाल सिंह को कैसे पहचानेंगे? लीजा अगर निहाल सिंह ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो समझ जाएगा कि मैं रोमियो हूँ, इसलिए हम दोनों अलग अलग निहाल सिंह को ढूंढते हैं। तुम उधर जाओ मैं इधर जाता हूँ। ठीक है। Paging Mr. Nihal Singh. Mr. Nihal Singh, please come to the reception counter on the lower deck immediately. बेबे निहाल अभी तक क्यों नहीं आ रहा? नहीं आएगा निहाल। नहीं नहीं बेबे आएगा आएगा। अरे बात सुनो, एक्सक्यूज मी। यस भाई साहब, निहाल सिंह का नाम एक बार फिर से अनाउंस कर दीजिए। व्हाट निहाल सिंह? भाई मेरा निहाल सिंह से मिलना बहुत जरूरी है। ओ छोड़ निहाल नु। बेबे निहाल जरूर आऊंगा। भाई साहब आपके जहाज पर सिकंदर नाम का कोई आदमी है? व्हाट सिकंदर? सिकंदर आपके जहाज पर है? व्हाट सिकंदर? याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया वो दुनिया से हाथ उसके खाली थे, हाथ उसके खाली थे, हाथ उसके खाली थे। I will let you know about सिकंदर। अरे चिल्लाता क्यों है? निहाल सिंह को ढूंढ रहा है। सुजैन यहाँ ऊपर भी कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ छुप गए हैं। मैं सब जगह मिल गई, मिल गई। डेक पे भी नहीं है। मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा एक मिनट। एक्सक्यूज मी, निहाल? निहाल सिंह? आप निहाल सिंह को जानती हैं? आप निहाल सिंह नहीं हैं? मैं निहाल सिंह का बड़ा भाई भियाल सिंह हूँ। व्हाट? ओए निहालिया पुत्र, वो मोया रोमियो मिलिया कि नहीं? बेबे हाय मैं तो थक गई। बेबे 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 मम्मी की तरह बेबे क्यों कर रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना निहाल? निहाल सिंह तुमने तो कहा था कि मैं बेहाल, बेहाल सिंह, बेहाल, बेहाल, बेहाल। हाँ वो क्या है, मैं फिर धोखा खा गई। मेरे दो पोते हैं, एक निहाल सिंह तो एक बेहाल सिंह। अच्छा दोनों की एक ही शक्ल, एक ही अकल, एक ही काठी। ओए तो, सस्रीकाल जी, मैं टोनी सिंह। ओ सस्रीकाल जी, लेकिन मैं निहाल नहीं बेहाल सिंह। मैंने आप दोनों को रिसेप्शन पे देखा था, आप अपने जुड़वे भाई को ढूंढ। जुड़वा कि थे, मैं बड़ा निहाल छोटा। हाँ। लेकिन आप तो अभी कह रही थी कि दोनों की एक ही शक्ल, एक ही अकल, एक ही। ओए वो मैं समझा नहीं। हाँ जी समझाओ समझाओ, तू भी समझ आ जा। वो बात क्या है जी कि बेहाल निहाल के बीच में 28 घंटे का फर्क है। नहीं? हाँ पूछो क्यों। क्यों? मेरा पुत्र अमेरिका गया सी है, वहाँ से दिल्ली आ रहा सी। सो अमेरिका से दिल्ली हो गए जी 20 घंटे है, फिर दिल्ली से पिंड जाना पड़ा, तो दिल्ली से पिंड जाने में लग गए जी 6 घंटे और, हो गए 26 घंटे। अब बाकी 2 घंटे का हिसाब लगा ले तो हो गए 28 घंटे है। बेहाल निहाल इस क्रूज पे है और तुम्हें मिल नहीं रहा? ओए मिलता तो मैं उसे ढूंढता क्यों? लेकिन वो छुप क्यों रहा? रोमियो नाम का एक आतंकवादी निहाल की जान के पीछे पड़ा हुआ है और रोमियो भी इस जहाज पर है, और रोमियो से बचने के लिए निहाल इस जहाज पर छुपा हुआ है। समझ गया। बेहाल तू फिक्र ना कर, तुम्हारे भाई को ढूंढने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। If we don't find Romeo, we're up shit street. What do you think we're doing? Just get him arrested and let him spend the rest of his life in jail. Oh, what a great picture of you, sir. If you would like to purchase one, I could sell it to you for $3. Lisa. Okay. I can give you a पता करो क्रूज पे चैपल का है। This is my business. मुझे कन्फेशन करना है और कल संडे। लीजा रोमियो को लेकर बहामास आ रही है, लेकिन बेचारा रोमियो बहामास कभी नहीं देख पाएगा। But why? दुश्मन अपने ठिकाने पर पहुंचे उससे पहले उसे ठिकाने लगा देना चाहिए। ये क्रूज बहामास पहुंचे उससे पहले मैं क्रूज पर पहुंचूंगा। Good morning, Father. Yeah. Is the chapel open? The chapel is open, but I will come after 1 hour. Okay. Okay. Yeah. So, Nihal chapel khula hai aur wahan koi bhi nahi hai. Putar,
अब तो तू रोमियो को पकड़ ही ले बस। ऑल द बेस्ट। Father, I want to confess. Last night I killed a man. Kill? Name? 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 अरे नाम तो बता अपना। निहाल सिंह। अरे मैं अपना नाम नहीं तेरा नाम। रोमियो? Oh God. बहामस जाने से पहले निहाल से जल्दी आओ, मुझे निहाल सिंह मिला था। क्या तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना मुझे मत समझाओ, समझी? तूने यहां से किसी को भागते हुए देखा है? नहीं। अल्फाता वाले क्रूज पे आ गए, अब क्या करें? निहाल सिंह तो मिला ही नहीं। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? तो ठीक है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। निहाल सिंह कहाँ है? लीजा, गो गेट हर। निहाल, लीजा मेरे पास आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। अचानक से कुछ लोग आए, उन्हें देखकर घबरा गई और फिर वहाँ से भाग गई। रोमियो, उन लोगों ने मुझे देख लिया है और मुझे ढूंढ लेंगे। रोमियो, तुम्हारे बारे में जानने के लिए मुझे बहुत टॉर्चर करेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर कहीं उनका जुल्म न सहन कर पाऊँ और तुम्हारे बारे में बता दूँ। प्लीज कुछ करो रोमियो, मैं भी एक औरत हूँ। रोमियो, जस्ट किल हिम। What's happening here? Hey, और हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लाना। देखो मैं पंजाब पुलिस वाला हूँ। क्या हुआ? अरे कुछ लोग टोनी को मार रहे थे, मैं उसे बचाने आया और ये लोग आके अंग्रेजी मारे जा रहे, जरा समझाए ना। What's the problem? निहालिया पुत्र, तू ठीक तो है ना? रोमियो, कितनी मुसीबतें डाल देता, अब तू बेहाल सिंह बनने का नाटक बंद कर दे। हाँ, मेरे नाल कार चाहिए। निहाल सिंह लापता है और बगैर उसके हम रोमियो को नहीं ढूंढ सकते। कुछ ही हफ्ते बचे हैं 4 जुलाई आने में। प्रेसिडेंट साहब की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगले 5 दिनों में अगर रोमियो नहीं मिला तो तुम लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे, समझे? मेरी बात सुनो, 4 जुलाई से पहले रोमियो नहीं मिला तो तुम इस केस से निकाल दिए जाओगे। प्लीज सर, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी।
assure you we will find Romeo by the 4th of July. बेहाल यार, आज तूने मेरी जान बचाई। और मेरा मानना है कि जब इंसान मौत को टाल जाए तो उसमें रब का कोई ना कोई मकसद होता है। रब का मकसद बचने और बचाने वाले दोनों के लिए होता है। अरे क्या बात है यार, इस बात पे एक हो जाए। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम ऊपर डेक पर चल के एक अनाउंसमेंट करा देते हैं कि निहाल सिंह को पकड़ लिया। ये सुन के निहाल सिंह खुद को देखने जरूर आएगा। गुड आइडिया, गुड आइडिया। तो हो जाए इस बात पे। ओ टोनी, ओए अनाउंसमेंट सुनकर तो रोमियो भी आ जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं। हाँ हो, रोमियो तो जरूर आएगा। तो चल ऊपर, क्यों ना हम सारे काम आज ही खत्म कर लेते। बल्ले बल्ले बल्ले, इस बात पे हो जाए क्या? हो जाए। अरे बेहाल, आज तेरे साथ पी के बहुत मजा आया। वालों, तेरे साथ कुछ दिन गुजार के तेरे बारे में सब कुछ जान लिया। ओ टोनी, कोई किसी के साथ थोड़े से दिन गुजार लेना तो सब जान लेता है, जैसे मैं तेरे बारे में सब कुछ जान गया हूँ। अच्छा, हाँ क्या जानते हो? मैं ये जानता हूं कि तू रोमियो है। सरदार को क्वार्टर पे ला दी तो समझा उसे चढ़ गई। निहाल, तुम्हें पता कैसे चला? जब मैं तेरी जान बचाने आया था, मैंने कहा जो बोले सो निहाल, तूने उसका जवाब नहीं दिया। अगर सच्चा सिख होता तो उसका जवाब देता। क्या जवाब देता? अब तू बोल, जो बोले सो निहाल। बोल, जो बोले सो निहाल। जो बोले सो निहाल। जोर से बोल, जो बोले सो निहाल। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हेलो। हेलो जीजा जी। किसका फोन है? अरे फैजान का फोन है। हाँ जीजा जी, कल सवेर की फ्लाइट लेकर मायामी आ जाओ। मायामी? एंड्रू, दिस इज टेवाना। आई जस्ट इंटरसेप्टेड निहाल्स कॉल टू टायबाली। निहाल इज इन मायामी। बड़ा भगाया मेरे पुत्र नु है। अरे जिन्ना तेरे पीछे भागा है उन्ना ओलंपिक में भागता तो गोल्ड मेडल होता उसके कॉल। बेबे मंजी, तो जीजा जी तेरे को गांव लेकर जाएंगे और इसे सुजाना और मैं लेकर आएंगे। कौन है ये लोग? FBI? रोमियो, हुन तुम मारा गया। अगर तू मेरे साथ इंडिया चलता ना तो शायद तुझे उम्र कैद मिलती, शायद बच भी जाता। लेकिन ये लोग तुझे इतना कुटेंगे कि तू तड़प तड़प कर मर जाएगा। हाय रब्बा, क्या होगा सिकंदर का? की होगा सिकंदर दा? I can explain this. Secure please, her. Please listen. Nihal has a reason. Please try to understand. I can explain it to you. Is this Romeo? नहीं नहीं नहीं, मैं रोमियो नहीं, मैं सिकंदर हूँ। तुम्हें बांध के क्यों रखा हुआ है? इसने मुझसे पैसे लिए थे रोमियो को यहाँ से भगाने का रास्ता बताने के, और अब ये मुकर रहा है। इसे मैं थर्ड डिग्री देने ही वाला था कि तुम लोग कम। So you do know where he is? Yes. Tell me where Romeo is. ओ यार मैं तो थक गया, तू गोली चला, मैं मर गया, मैं फ्री, रोमियो फ्री, तुसी लोग भी फ्री। चल चल, शूट, ओ शूट, प्लीज शूट शूट शूट। वी डोंट वांट टू किल यू। वी वांट टू किल द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। किल प्रेसिडेंट? निहाल सिंह, देखो
हम जानते हैं रोमियो बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी तोड़ने में एक्सपर्ट है। चार दिन में न्यूयॉर्क में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की पब्लिक मीटिंग है। हम चाहते हैं कि रोमियो उनकी सिक्योरिटी तोड़ के उन्हें मार डाले। निहाल, हमें रोमियो को सिर्फ चार दिन के लिए साथ दे दो। हम वादा करते हैं, जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाएगा, हम रोमियो को तुम्हारे हवाले कर देंगे। बेबे, ये तो रोमियो से भी ज्यादा खतरनाक है। ऑफिसर, व्हाट? अगर तुम्हारा काम पूरा हो गया तो क्या तुम रोमियो को छोड़ दोगे? ऑफ कोर्स। खोलो मुझे, मैं तुम्हें रोमियो तक पहुंचा सकता हूं। He says he can take us to Romeo. Agent Sykes, unlock his handcuffs. Yes, sir. पुत्र, हम क्या करेगा? बेबे सोचन दे। I am Romeo. You're Romeo? ओए, तू सिकंदर है? ए, मैं हूँ Romeo. तू जानता कि मैं Romeo हूँ? ओए, मैं जानता हूँ तू सिकंदर है। अरे, मैंने Romeo को देखा है। कोई भी कह सकता है वो Romeo है। But I am Romeo. चुप है? I am Romeo. Wait a minute, you're Romeo? आहो, देखा? Romeo, I Romeo, 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 Romeo. चुप कर। तू जानता है कि Romeo का अंगूठा नहीं है, तो ये देख। ओए फुली बेवकूफ इंसान, अरे दुनिया में कितने लोग हैं जिनके अंगूठा नहीं है? इसका मतलब है सब Romeo हैं? I'm totally confused. क्यों confused कर रहा है इसको? अरे ये तुम्हें confused कर रहा है। I am Romeo. ये देख। I am Romeo. अरे फाले फाब, मैं आ गया। हा? सिकंदर फाब, आप भी आओ। सत श्री अकाल बेबे। जिंदी रहे मंजीत। बेबे, नमस्ते। जिंदा रहे। सिकंदर फाब, फाले फाब के साथ रोमियो को इंडिया भेजने की तैयारी हो गई? सिकंदर। तैयार बली। नो रोमियो। मैं सिकंदर नहीं, मैं रोमियो हूँ, रोमियो। रोमियो, लगता है आपकी याददाश्त जरा कम हो गई है। आप रोमियो नहीं, सिकंदर फाब है। सिकंदर फाब। मैं सिकंदर फाब। सिकंदर आहो। मैं रोमियो हूं, रोमियो। मैं सिकंदर नहीं हूं, मैं रोमियो हूं। He's crying. He insists he's Romeo. Is this Romeo or is this Sikandar? Oye, Sikandar hai. Mere paas ek aur saboot hai. India mein Romeo ka ek jasoos hai jiske saath maine Romeo bankar baat ki thi. Phone dena. Agar ye Romeo hai, to wo iski awaaz pehchan lega. Come, 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 come. Speaker. Hello. Hello, kaun bol raha ji? Romeo. O chupra ullu de patthya. Tu Romeo nahi ho sakta. No Romeo, no Romeo, Sikandar. Hon, main baat karta hoon. Hello, hello, hello. Oye Romeo, tera kya haal hai? Oye, main theek thaak hoon. Aur suna, aajkal America mein kahan kahan bomb laga raha hai Romeo? Oye, kamaal hai. Nihal Singh ne ab tak tujhe pakda hi nahi hai. Dekha? He, no Romeo. Haan, main Sikandar hoon, Sikandar. If I die, you will never be able to kill your president. अरे ये सिकंदर है, अपनी बंदूकें नीचे कर लो, नीचे। Ease off, guys. निहाल सिंह, सोच ले, अगर ये सिकंदर मर गया तो तू रोमियो को गांव कैसे लेके जाएगा? जिंदगी भर तेरे माथे पे लगे कलंक को तू नहीं धो पाएगा। हंस, हंसना भी। गांव वाले तेरे बाबूजी को एक देशद्रोही का बाप बोल बोल के पागल कर देंगे। हंसना, हंस। हाँ, तेरी बहन की शादी कैसे होगी? और जिस लड़की की शादी नहीं होती वो या तो खुदकुशी कर लेती है या किसी खोटे पे। निहाल,
लाइन जाओ लाइन जाओ। हाँ किस के किस के मार सरपंचो मैं गदार हूँ नहीं न्यायालय नहीं मैं आतंकवादी नहीं न्यायालय नहीं मैं रोमियो नहीं न्यायालय नहीं की कुरिया की कारिया रुक जा न्याल सिंह तू समझता ही नहीं है मैं तो पहले से ही जानता था कि तेरे जैसा शरीफ आदमी और बहादुर आदमी पूरे पंजाब में तो क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल सकता है ओए मैं तो तेरे को उकसा रहा था ताकि तू इस आतंकवादी हरामी रोमियो को पकड़ कर यहाँ ले आ और दुनिया को तबाह होने से बचा दे अच्छा 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 समझा इस बेवकूफ की वजह से तू पकड़ा गया इस पंजाबी जट को तुमने उकसाया था हाँ, हमारी वजह से तो तू आज जूते खा रहा है लियाल सिंह बचाओ पिट वाले आ जाओ फिर से लाइन लगाओ लियाल सिंह